प्रतिरोध मानी रेजिस्टेंस आर आर के ऊपर ये प्रतिरोध होता क्या है, तो साफ साफ आपको यहाँ पे नाम में दिखाई दे रहा होगा कि प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब किसी का विरोध करना है, तो प्रतिरोध का सिंपल अर्थ होता है विरोध करना, प्रतिरोध मतलब होता है विरोध करना। अब ये किस चीज का विरोध कर रहा है, तो यहाँ सिंपली विद्युत की बात की जा रही है, तो यहाँ पे बिजली का ही विरोध होगा। तो प्रतिरोध क्या होता है, धारा के प्रवाह में रुकावट डालने वाला प्रतिरोध कहलाता है। क्या, धारा के प्रवाह में रुकावट डालने वाला प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध मतलब विरोध, तो आप सिंपली लिख दीजिए धारा के प्रवाह में विरोध करने वाला या रुकावट डालने वाला, या रुकावट डालने वाला, धारा के प्रवाह में रुकावट डालने वाला विद्युत प्रतिरोध कहलाता है, या प्रतिरोध लिख दीजिए प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध की स्पेलिंग होती है रेजिस्टेंस, इसीलिए इसे आर से डिनोट करते हैं। यहां सिंपली लिख दीजिए इसे आर से निरूपित करते हैं या संकेत देते हैं, निरूपित करते हैं। ये सिंपल है, प्रतिरोध का अर्थ होता है विरोध, धारा के प्रवाह में, धारा के मार्ग में रुकावट डालने वाला प्रतिरोध कहलाता है, इसे आर से निरूपित करते हैं, आर से व्यक्त किया जाता है, आर इसका संकेत है, आर का मतलब हुआ है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध का अर्थ है प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब किसी का विरोध करना, इसे ही प्रतिरोध कहते हैं, विरोध करना इसका तो शुरू से काम ही है विरोध करना, लड़ाई झगड़ा करना, तो ये धारा को जाने नहीं देता, धारा के मार्ग में रुकावट बन के खड़ा रहता है। जितना ज्यादा बड़ा तार होता है उतना ज्यादा दिक्कत होता है, प्रतिरोध उसको जाने नहीं देता है, तो ये हो गया प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक मैंने बता ही दिया था, ओम होता है, मात्रक इसका क्या होता है ओम, इसे ओमेगा से डिनोट करते हैं, ये चिन्ह याद रख लीजिए। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि ओमेगा मतलब कि प्रतिरोध का जो है चिन्ह क्या है, निम्नलिखित में से प्रतिरोध का चिन्ह क्या है, तो ये दे दिया जाएगा, इसको उल्टा टेढ़ा सीधा मतलब बड़े बड़े मतलब तरीकों से इसको व्यक्त कर देंगे, फिर आपको टिक लगाना रहता है कि कौन सा प्रतिरोध का संकेत है।